तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग खेल रहे हैं बहुत दिनों बाद साइबर पंक 2077। जैसे होते एक महीने पहले लॉन्च हो गया, बट मुझे थोड़ा लेट मिला, इस वजह से थोड़ा आज खेल रहे हैं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, और हिटमैन की 3 की भी मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन जाके देख सकते हैं। चलो डिफ़िकल्टी हम लोग नॉर्मली चूज़ करते हैं, ठीक है, और देखते हैं तो और क्या है भाई। नोमैड है और पंक है, जिसको हम लोग इंडिया के अंदर स्ट्रीट टिकट बोलते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने कहीं और से मंगाया है गेम, इसी वजह से थोड़ा लेट भी इसी वजह से आया है। ठीक है, इसमें नॉमेड के अंदर क्या क्या देखते हैं, कुछ नहीं है तो भाई इसमें बहुत गरीब होते हैं हम लोग, और कुछ ऐसी इसकी स्टोरी नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कोई गैंगस्टर वैंगस्टर है, देखिए कुछ चोरी वोरी करते हैं हम लोग इधर। ठीक है, देखते हैं भाई कि मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। एंड ये है कॉर्पोरेट जिसके अंदर हम लोग बहुत पावर है, ये तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल कटिया लग रही है। तो हम लोग यार, मैं कन्फ्यूज हूँ, नॉमेड खेलूँ या फिर स्ट्रीट किट यानी पंख खेलूँ, तो मैं पंख खेलता हूँ। चलो, एंड अब हम लोग ये क्या लूँ, मेल ही है, मेल ही लेते हैं। चलो, और मेरे को लग रहा है यहाँ पे हमको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा शायद इसको, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी पहले भी एक दो वीडियो देखी है साइबर 2077 की, और इसके अंदर हमको कस्टमाइज़ ही करना पड़ेगा। चलो मेल लेते हैं, अब इसको कस्टमाइज़ कर देते फटाफट से। अब क्या है इधर, स्किन टोन का ग्लोव्स, ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है। चलो ओके, वॉइस वगैरह कौन सी अच्छी, हाँ ये अच्छी ठीक लग रही है मेरे को, ठीक है ये वाली। तो चलो यार फटाफट से इसको हटाते हैं, पूरा इसको बनाते हैं हम लोग। चलो यार, हम लोग एक बार इसको स्किप कर देते हैं, फिर चलते हैं हमारे गेम की तरफ। तो यार गाइज, मैंने इसको कुछ ऐसा लुक दे दिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला लुक। आप लोग बताना डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट के अंदर, कि ये लुक कैसा लग रहा है। और ये आ चुका है हमारा साइबर पंक 2077 का पूरा कम्प्लीट, बहुत ही शानदार लग रहा है यार ये वाला, सीनरी बहुत ज़ोरदार है। और देखते हैं यहाँ पे, चलो फटाफट से गेम चालू हो जाए यार भाई, क्या दिक्कत हो रही है इसको। तो चलो यार, ये हमारा हाथ है, मतलब कि हमारा हाथ, मतलब कि गेम के अंदर हमारा हाथ है ये, ठीक है। और क्या है भाई, ये गुंडा वुंडा है क्या, कहाँ पर बैठा है भाई तू, कहाँ पर हो भाई, जोरदार यार लुक कैसा लग रहा है मुझे बताना आप लोग। बहुत मैंने अच्छा लुक बनाया है यार ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये कौन बैठा है भाई गुंडेगरी का, भाई मेरे को लग रहा है ये हमारा बॉस होगा। ओके भाई, तो ये हमारा बॉस है, ये बोल रहा है कि जो कुछ काम करना है हमको, ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ पर जाना है अभी हमको। भाई बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है यार ये, बहुत ज़्यादा ओपी बंदा लग रहा है मेरे को, शक्ल देखी इसकी, इसकी ढंग। और ये क्या है भाई, हाँ भाई बोल फटाफट से, क्या दिक्कत है तेरे को, वार्तालाप कर रहे हैं अभी हमसे इससे थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ। अरे सुन भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जैसा कि वो सेठ बोलता है वैसा काम कर लेना, समझा क्या, नहीं तो अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा वो, ठीक है। और जो भी चुराना वगैरह और उनको भी अच्छा खासा कमीशन वमीशन दे देगा भाई, जो निपटना अपना काम, ठीक है, जो भाई पीछे से ढंग में कुछ बाढ़ देगा अपने, समझा क्या, और अपन उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते भाई, इसीलिए। नहीं नहीं बिड़ू, तेरे को करना ही पड़ेगा, समझ में आ गया, मना मत कर बिड़ू, तेरे को कुछ भी करके तेरे को करना ही पड़ेगा वो चीज़, नहीं तो हम बहुत फंस जाएंगे, प्लीज़ यार बिड़ू कर लेना, नहीं तो यार। और देखते हैं भाई हम लोग क्या किसी सीन में फंस जाएंगे तो भाई हमारी लपड़ा है, समझ गया क्या, कुछ भी करके तू कर लेना, ठीक है, चल ठीक है। तो यार आप लोग समझ ही गए होंगे उन लोगों की बात क्या थी। एंड अभी हम लोग देखते हैं कहाँ पे जा रहे हैं, नो मैडम कैसे हो बढ़िया, तो यार अभी निकलते हैं, और शायद इन लोगों के पास ही जाना है हम लोगों को। और भाई कहाँ पे और अंदर जा रहा है यार, मैं बोला कहा कि इधर ही आना है। और यार वाइन वगैरह की कुछ बॉटल वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, इधर आना है क्या हमको, इधर बैठना है क्या। अरे भाई किधर जा रहा है यार, किधर जाना है हमको पता भी नहीं पड़ा, और किधर कितना अंदर जाना है इधर, हाँ ये रहा है ना मैप में, यही बता रहा है। चलो हाँ भाई कैसा है बड़ो, और बड़ो कैसा है बड़ा, बैठ क्या बात है बड़ो, हमको क्यों बुलाया भाई इधर, ये बता फटाफट से, कोई काम है, काम वाम हो तो बोल। कुछ नहीं हुआ भाई, यहीं बुलाया मेरे को, ठीक है। ओ भाई गन पड़ी है, समझा क्या, उड़ा दूंगा सारे को, जानता कि नहीं जानता है। ज़्यादा चिलम चिली कर रहा है क्या, है तो एक काम करना,
कि तेरे को हमने एक्चुअली बुलाया यहाँ पे खेल लिया, जो गिरजा से ना जो प्लेस है वहाँ पे जाके तेरे को गाड़ी वाड़ी चुराने खाए ठीक है, और तू ही वो चुरा सकता है जो मैं बहुत शानदार कमीशन दे दूंगा उसके अंदर ठीक है, और जो भी जितना भी कमीशन होगा वो तेरा हो तो मैं गाड़ी वाड़ी बता दूंगा कौन सी है ठीक है भाई, फिर तू अगर तू काम करता है तो भाई तेरे को मैं अच्छा खासा पैसा वैसा दे दूंगा उसके लिए ठीक है, कुछ भी है तो काम करना है। तो गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे क्या मिशन है ये वाला, और यहाँ पे हमको कुछ गाड़ी वाड़ी कुछ देगा हम लोगों को, उसको हमको जाके चुरा के आना है। भाई सिगरेट तो ऐसे फुकरा जैसे इसका बाप का है यार रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट, ग्राफिक्स बहुत शानदार देखे तुम्हें, मेरे को यूँ लग रहा है असली में सिगरेट फूक रहा है जैसे कि। गाड़ी दिखा रहा है देखे वो तो, ये वाली गाड़ी है जोरदार गाड़ी है यार, द लीजेंड ऑफ एरोनाइट एरोडाइट कार ऑफ द मंथ, बहुत ही ज़ोरदार कार है भाई, बहुत ही ज़ोरदार कार। हाँ भाई बोल फटाफट से क्या हुआ, ये बोल रहा है जेडेंगो के पास में कि ये कार है और हमको इसको चुरा के आना है, और ये कार अगर जो हम लोगों ने चुरा ली तो हम लोग को बहुत अच्छा खासा कमीशन वगैरह और पूरा कम्प्लीटली पैसा दे देगा ठीक है भाई, हम काम कर लेंगे तेरा लोड मत ले ज़्यादा, बस उनको अच्छा खासा कमीशन चाहिए ठीक है, जो भी जितना भी बनता है हम तेरे को काम कर देंगे तेरा लोड मत दे। हम वो चोर वोट मत समझना ठीक है, हम लोग बस यहाँ पे गाड़ी वाड़ी हमने कोई गाड़ी चाहिए बिकॉज मेरा बेटा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है गाड़ी के लिए ठीक है, यार तू फटाओ से गाड़ी कहीं से भी जाएगा गाड़ के लिए, तेरे को मैं 5,000 रुपये दूंगा ठीक है, और ज़्यादा लोड मत लेना ये मेरा ही इलाका है ठीक है, पुलिस वुलिस जेल में चला गया तो भी देखो मैं जैसे जैसे निकला दूंगा, 2027 है अपना खुद का माल है ठीक है, लोड मत लेना ठीक है। चलो मैं देख यहाँ पे अपना स्कूल इलाका है बस देखो मैं काम करने के कम्प्लीट कमीशन दे दूंगा, ऊपर से नीचे तक सब लोग अपने जानते कॉर्पोरेट हुए सब लोग, तू तो बेटा नया नया है चलता हूँ, बाकी प्रोग्राम तेरे को सब कुछ फोन पे बता दूंगा, और कोई ज़्यादा शान पट्टी करी तो सीधे ही उड़ा दूंगा। तो गाइज़ ये इसको बोल रहा है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुमको कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं काम वाम तो तुम्हारा कर दूंगा लेकिन मैं तुमसे बात कैसे कर दूंगा, तो अब देखते हैं इसने ये ब्लूटूथ दे दिया हमको यहाँ पर ठीक है, और ये बोल रहा है कि अब ब्लूटूथ व्लूटूथ से तुम सब मेरे से कम्प्लीट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से आदमियों से तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कभी भी कुछ भी लफड़े में पड़े तुम इससे कॉन्टैक्ट करके तुम अपना काम कर सकते हो, और तुमको बाकी सारा काम मैं फ़ोन वोन तो बता दूंगा, लेकिन हो सके जितना काम हम लोग को करना है साथ में। कुछ हमको उसके आदमी दिखा रहा है बोल रहा है कि हम मैं इन आदमियों से उनको मरवा दूंगा, ओह भाई सांड है यार ये तो बिल्कुल ही, इस आदमी को देखा कितना मोटा है यार, अब ये कह रहा है कि भाई तुम ये कंप्लीट चुपचाप ले लो ये अपनी जेब में डाल दो एंड फटाफट से इधर से कल्टी हो जाओ और बाकी का काम हम तेरे को समझा देंगे ठीक है भाई, तो अपना काम कर देगा, वो हमको थैंक यू सो मच बोल रहा है कि चल ठीक है थैंक यू, बट कोई बात नहीं यार हमको भी इसमें कमीशन वमीशन मिल रहा है तो यार हमारा भी काम बनता है कि भाई हम इसका काम कर दे रहे हैं ठीक है, जैसे जैसे करके हम इसका काम कम्प्लीटली दमाम कर देंगे, दमाम तो क्या आप बोल सकते हैं ठीक है, भाई काफ़ी ज़ोरदार है सीन भाई यहाँ के, अब ये क्या है भाई, भाई गेम तो बिल्कुल कम्प्लीट रियलिस्टिक है, पूरी दुनिया से काफ़ी से 5 से 6 सालों से इंतज़ार कर रही थी, मेरे को लग रहा है GTA 5 को भी कम्प्लीट टक्कर दे देगा ये गेम यार बिल्कुल, क्योंकि यार इतना शानदार रियलिस्टिक फीलिंग वाला गेम भाई बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम के है ही नहीं यार, और ये अभी भी किसी से फ़ोन पे कम्प्लीटली बात करते हुए जा रहा है यहाँ पे, हमेशा फ़ोन पे लगा ही रहता है ठीक है, इसका मतलब काम ही यही फ़ोन पे बात करके दूसरों को मारना मरवाना और इसका यही काम है, और अब हमको पता है शायद इसके पास जाना है, और ये कोई ये यहाँ का कोई गुंडा वगैरह है यहाँ का, क्या बोल रहा है ये फॉर डू कीप इट नॉन एंड डाइजेस्ट ऑफ द कंपनी ठीक है यार, जो हमको इसके पास आना है एंड ये हमको पूरा काम वाम सिखाया गया क्या करना है हमको ठीक है, कम्प्लीटली वो भाई दोनों ही गुंडे लग रहे हैं ठीक है, यहाँ के दोनों मवाली एक नंबर के,